तो दोस्तों आज दूसरा दिन है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमें, और अभी हम जा रहे हैं जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सुबह के 7 बजे हैं अभी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली 15 मिनट के बाद जो है वो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं चाइनीज़ और इंटरनेशनल, और सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे भी ओपनिंग सेरेमनी होगी, मैं भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ स्टूडेंट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इनके लिए जो है वो एक ड्रेस कोड है, ये जो है वो पहनते हैं इस मतलब के ओपनिंग सेरेमनी में, और उसके बाद जो मतलब कि इनकी कुछ दिन ट्रेनिंग होती है, लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग आप बोल सकते हो। तो इस वजह से इनको ये ड्रेस उन्होंने दी होती है। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो है वो ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है जिसपे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, और कॉलेज ऑफ द इंटरनेशनल एजुकेशन ये भी मेंशन है यहाँ पे। ये जो है वो न्यू कैंपस है हमारी यूनिवर्सिटी का, मतलब कि हम जिस कैंपस में है वो साउथ कैंपस है, और ये जो है वो न्यू कैंपस है। मतलब रोड क्रॉस करके जब आएंगे आप तो मतलब के न्यू कैंपस में आप आ जाएंगे। रोड के उस तरफ साउथ कैंपस है, रोड के इस तरफ न्यू कैंपस है।中国旗，奏唱国歌。 तो दोस्तों फाइनली जो है वो सेरेमनी ख़त्म करने के बाद अभी वापसी जो है वो रूम की तरफ जा रहे हैं, और तकरीबन 9:15 हुए हैं सुबह के। तकरीबन ये सेरेमनी जो है वो 40 मिनट तक चली, क्योंकि बहुत अभी धूप हो गई है। वापसी जाएंगे अब रूम की तरफ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है वो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। एक्चुअली आपको पता है कि चाइना में जो है वो स्कॉलरशिप होती है, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बंदा अप्लाई कर सकता है। एक लेवल लिमिट होती है, एक उस लिमिट तक जो है वो बंदा अप्लाई कर सकता है। तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है, दूसरा फिर प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। तो मैंने जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो थी उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और उसके अलावा जो है वो 2 से 3 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था। टोटल 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिली। बस ये जहाँ पर जो है ना पूरा लक का हिसाब किताब है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मतलब के 3-4 यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाती है। अगर आपका लक सही नहीं है तो एक में भी नहीं होता। तो ये लक का सारा दारोमदार है। तो
मुझे जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी सही है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरह ही होती है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप में जो है वो ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है और मंथली स्टाइपेंड भी है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी जो है हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं बनस्बत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। और मेरी जो पिछली यूनिवर्सिटी थी वुलन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, वो मतलब कि एक छोटी यूनिवर्सिटी थी, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं थे। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने तीन यूनिवर्सिटियों को जो है वो कम्बाइन करके जो है वो बनाया हुआ है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा कैंपसेस भी हैं, तकरीबन 5 से 6 कैंपसेस यहाँ पे हैं। तो ये रीज़न है यहाँ पे आने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं जो है वो अगली वीडियो में, जिसमें जो है मैं आपको कैंपस का जो है वो बताऊँगा कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और यहाँ के माहौल के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।